वेस्ट चैनल पर आज मैं आपको मशीन की सफाई और जैसे सुई वगैरह हमारी ख़राब हो जाती है तो हम उसको किस तरह से करेंगे। ठीक, तो देखिए हमारी जो बखिया है वो कैसी चल रही है इस समय। तो हम आपको ये देखिए ये सूजी हमारी मुझे और ये इस समय हमारी जो बखिया है वो बिल्कुल ख़राब चल रही है। तो इसको हमें किस तरह से ठीक करना है तो वो मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले हम जो हमारे नीचे का शटर और डिब्बी होती है उसको डिब्बी को हम निकाल देंगे बाहर। तो जो ये डिब्बी है इसको हम बाहर निकाल देंगे और जो ये शटर है हमारा इसको हम खोल देंगे। तो जो ये दो पेच लगे होते हैं इसमें इनको हम सबसे पहले खोल देंगे। ये दोनों पेच इधर, इनको पहले दोनों को एक साथ लूज़ करेंगे और फिर इनको हम खोल कर बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरह फ्रेंड्स हम अपने जो दोनों पेच हैं उनको निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम ये दोनों पेच अपने निकाल लेंगे और जो ये शटर है हमारा इसको हम बाहर निकाल लेंगे इस तरीके से। और जो ये पेच लगा हुआ है इसको भी हम खोल लेंगे। तो इस तरह से करके हम इसको खोल देंगे। अब सबसे पहले हम इसकी सफाई करेंगे। तो इस तरह फ्रेंड्स हम जो ये पेचे इसको खोल देंगे और उसके बाद सबसे पहले हमें ये हटाना है, उसके बाद ये निकालना है और उसके बाद हमें ये अपनी भी निकालनी है और उसके बाद हमें इसको अच्छे से साफ़ करना है इस तरीके से। इसके अंदर हमारे धागे फंसे होते हैं जिसकी वजह से जैसे मशीन बहुत भारी चलती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह के धागे इसमें फंस जाते हैं और ये उसके वजह से हमारी मशीन ठीक नहीं चलती। तो सबसे पहले हम इसको अच्छे से साफ़ कर देंगे और हम उसके बाद हम इसमें तेल देंगे। तो इन सभी को हम अच्छी तरह से इस तरह से करके साफ़ कर देंगे इस तरह से और इनमें हम तेल लगा देंगे अंदर की तरफ भी हम इस तरह से तेल लगा देंगे। उसके बाद हमें ये लेना है और उस सबसे ऊपर हमें फिर ये रखना है। तो इसमें धागे और जो हमारा काम करते हैं बुकरा वगैरह का फंस जाता है जो ब्रादस होता है तो उसकी वजह से हमारी मशीन ठीक नहीं चलती, भारी भी चलती है और सुई वगैरह जैसे ख़राब हो जाती है तो उसका भी हम आपको बता रहे हैं। तो हम ये पेच इसके ऊपर इस तरह से कस देंगे। वापिस हमने जैसे हमने खोला था उसी तरीके से हमें इसको कर देना है और जो ये हमारा कहते हैं इसको भी हमने अंदर इस तरीके से करके लगाना है। ये हमें उल्टी साइड से हम करेंगे, ये हमारी सीधी साइड है और ये हमारी उल्टी साइड है इस तरीके से हम और तेल इसमें हम डाल देंगे। अब उसके बाद हम जो हमारी मशीन है उसको यहाँ सफाई करेंगे। तो इस तरह से हम कोई ब्रश ले लेंगे या किसी कपड़े से भी हम कर सकते हैं इस तरह करके, लेकिन ब्रश के साथ ये अच्छी तरह से इसके जो दांते होते हैं उनमें भी अच्छी तरह से ये साफ़ कर देता है। इस तरीके से हम सारी मशीन पर अपने ब्रश मार लेंगे तो कहीं भी कोई धागा या रुआ तो वो सब साफ़ हो जाता है। उसके बाद हम वापस इसको लगा देंगे। तो ये जो हमारे इसकी में शटिंग में है तो इसको हम इसके साथ इस तरीके से दोनों को हम आपस में फंसा देंगे इस तरीके से। उसके बाद दोनों पेच हम एक की साइड और एक ही साइड लगा देंगे और इनको कस देंगे। ऐसे हम दोनों पेच को अच्छी तरह कस देंगे। दोनों को हमें इसमें साथ ही लगाना पड़ता है और दोनों को फिर हम थोड़ा 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 करके दोनों को हम पूरी तरह से कस देते हैं। तो इस तरह हमें देखिए हमारा अब बिल्कुल साफ़ हो चुका है और इस तरह हमें इसको लगाना है। अब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो जो हमारी सुई है उसको हम खोलेंगे, ये धागा निकाल देंगे और अपनी सुई को हम निकाल लेंगे। और फ्रेंड्स जो इसकी ये नोकिया हम इस तरह से करके इसको या इसके ऊपर घिस लेंगे या कोई भी रफ थोड़ी चीज़ हो उसके ऊपर इस तरह से घिस लेंगे। तो फिर फ्रेंड्स हमें ये सुई को इस तरह से हमें घिस के ठीक तरह लगा देनी चाहिए और धागा में फिरो देना चाहिए और इस तरह से हमें धागे को फिरो देना है। अब हम देखते हैं कि हमारी मशीन ठीक है या नहीं। और फ्रेंड्स इस तरह हमें सारे में अपनी
इसमें जो ये इसमें होल बने होते हैं इनमें सभी में हमें तेल डालना है, और यहाँ सभी चंगे हमें तेल अच्छी तरह डाल देना चाहिए, और ये छेद यहाँ पर भी हमें तेल डालना चाहिए। और उसके बाद हम देखते हैं, और यदि कई बार हमारी पखिया होती है तो यहाँ से भी हम थोड़ा इसको कर लेते हैं ठीक। तो यहाँ से भी कई बार जो ढीला टाका होता है जी, यदि हमारी मशीन नीचे की ख़राब है तो नीचे से ख़राब दे रही है तो हमारी समझिए यहाँ से हमें इसको जाकर देख लेना चाहिए, और यदि ऊपर से तो हमारा नीचे शटर में धागा वगैरह फंसा होता है तो हमें उसको खोलकर सफाई वगैरह कर लेनी चाहिए। अब जैसे मशीन हमारी भारी चलती है तो भी हमारे शटर में ही कुछ ना कुछ कम दिक्कत होती है तो हमारी मशीन भारी चलती है। और फ्रेंड्स, जो हमने ये डिब्बी बाहर निकाली थी इसको हम वापस लगा देंगे, और अब हम देखते हैं हमारी मशीन ठीक चल रही है या नहीं। और उसके बाद हम जो नीचे डिब्बी का धागा है उसको कर देंगे, तो हम नीचे हम देखेंगे कि हमारी मशीन ठीक चल रही है या नहीं। तो ये धागा हमारा ऊपर आ गया है। तो फ्रेंड्स, जो हमारी पहले सिलाई थी वो हमारी ख़राब चल रही थी, और हम देखते हैं अब हमारी सिलाई कैसे चलती है। तो देखिए अब ये कोई धागा वगैरह नहीं खींच रही है, तो हमारी सिलाई बिल्कुल ठीक चल रही है। ये देखिए, ये इस तरह से हमारी मशीन बिल्कुल ठीक चल रही है, और कोई भी धागा वगैरह इसमें नहीं खींच रहा है, जबकि पहले हमारी जो सिलाई थी वो भी ख़राब चल रही थी। तो ये देखिए, ये देखिए पहले टापी भी दे रही थी हमारी मशीन, और कपड़ा भी हमारी जो सुई है वो खींच रही थी। तो ये देखिए कितनी ख़राब हमारी सिलाई आ रही थी। तो आप इस तरह से करके अपनी मशीन को ठीक कर सकते हैं। यदि हमारी नीचे से हमारी सिलाई ख़राब आ रही है तो समझिए ऊपर से हमारे यहाँ पर कोई परेशानी है, इसको इसमें कुछ कमी है, और यदि ऊपर की सिलाई हमारी ख़राब है तो समझिए नीचे हमारे शटल को खोल के हमें सफाई वगैरह करनी चाहिए, तो और तेल वगैरह अच्छी तरह से डालते रहना चाहिए। तो इस तरह फ्रेंड्स हम अपनी मशीन को ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।